हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्किन वाइटनिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूं। इस रेमेडी से आपकी स्किन पे, आपकी त्वचा पे आए हुए कालेपन को, आपके डार्कनेस को ये रिमूव करेगा और आपके नेचुरल कलर को और उभारेगा, आपके फेस पे वाइट ग्लो लेकर आएगा। ये रेमेडी जितनी इजी है बनानी, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये इजी है यूज़ करने, क्योंकि हम अपनी बॉडी के लिए, अपने स्किन के लिए कभी, स्पेशली अपनी बॉडी के लिए जब जो हम रेमेडी यूज़ करते हैं उससे बहुत ही मैसी हो जाता है। ये आपको मैसी फील नहीं करवाएगा, कहीं पे गंदगी भी नहीं फील करवाएगा। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, 4 इंग्रेडिएंट हैं, वो आपको घर पे भी मिल जाएंगे। घर पे नहीं तो आप मार्केट में इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना होगा, आपको इजीली आपको ये केमिस्ट पे या फिर किसी भी पंसारी की शॉप में मिल जाएगा। ये रेमेडी कोई भी यूज़ कर सकता है, बूढ़ा बच्चा कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको ना यूज़ करें, रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप धूप में जा रहे हैं, आपको टैन हो रहा है, अगर आपको टैन नहीं भी हो रहा है, आप धूप में नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी स्किन पे एक पिगमेंटेशन आ जाती है, यहाँ से काला लगने लग जाता है या फिर कहीं से काला लगने लग जाता है, वो क्यों होता है अगर आप धूप में नहीं भी जा रहे हैं? क्योंकि आपको ड्राइनेस की दिक्कत होती है, ड्राइनेस के वजह से हमारी स्किन पे और कालापन आता है। आपका जो नेचुरल कलर होता है उसको वो और हाइड कर देता है, तो इसीलिए ये आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करेगा। प्रॉपर मॉइस्चराइज करके आपकी स्किन को ये ग्लोई बनाएगा, आपकी स्किन के नेचुरल कलर को और ये उभारेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे नींबू का जूस लेना है। यहाँ पे मैंने नींबू इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके एक्ने से, जो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है उसको ट्रीट करता है, आपके डार्क स्पॉट को ये रिड्यूस करता है, फ्रेकल्स कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन बनाता है मेलानिन को रिड्यूस करके। और मेलानिन ही जो है सबसे ज़्यादा मेन कॉज होता है पिगमेंटेशन का, पिगमेंटेशन की वजह से स्किन डार्क लगती है, तो ये आपके मेलानिन को रिड्यूस करके आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है। यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल किस लिए लिया, क्योंकि ये स्किन वाइटनर होता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। कोलाजन इसमें होता है जो आपकी स्किन को फर्म एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और ये आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, और जो ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन पे जो डार्क पैचेस हो जाते हैं उसको ये लाइट करता है। यहाँ पे मैंने ग्लिसरिन लिया है। ग्लिसरिन का क्या काम होता है, ये आपकी स्किन की सेकेंड लेयर से टॉप लेयर तक वाटर प्रोवाइड करता है, मतलब वाटर को बैलेंस करता है, डेड स्किन सेल्स की जो लेयर बन जाती है उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, जिसके वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो और भी ज़्यादा ब्राइट लगता है। मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर का काम होता है आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करना। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है। आप चाहें तो इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, अपनी स्किन नेक पे अप्लाई करती हूँ, अपने हाथों पे, अपने हैंड्स पे, अपनी एल्बो पे अप्लाई करती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ड्राइनेस है और कालापन है मैं इसको वहाँ पे अप्लाई करती हूँ। और तकरीबन आधा घंटा मैं वेट करती हूँ और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई एज ग्रुप हो, ऐसा कुछ नहीं, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।